आप बता रहे हैं, वीट तो वीट होती है, यूजलेस उसमें क्या है। जिस तरह हालांकि उनके पास चीज़ नहीं थी जब उनसे अमेरिका से आपको पता छुटकारा हासिल किया। ठीक है, अभी हम उनसे वो एहसान नहीं मान रहे, लेकिन आगे से वो कह रहे हैं चीज़ ही आपकी सही नहीं है। तालिबान समझते हैं हम खुद यूजलेस है पिछले। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो है ना अफगानिस्तान को गेहूं भेजा था, वो बहुत ही सड़ा हुआ था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। और उसके मुकाबले जो भारत ने जो है ना अफगानिस्तान को जो गेहूं भेजा था, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था, ऐसा अफगानिस्तान यानी तालिबान के मंत्रियों का कहना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बात पे पाकिस्तानी लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। असलम, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वीट भिजवाई थी, जिस पे तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूजलेस है, क्या कहेंगे आप? वीट किस तरह यूजलेस हो सकती है, आप बता दें। वीट तो वीट होती है, यूजलेस उसमें क्या है। जिस तरह हालांकि उनके पास चीज़ नहीं थी जब उनसे अमेरिका से आपको पता छुटकारा हासिल किया। उनके पास से जो खाने के लिए कुछ नहीं था, वैसे तो उन्हें बहुत कुछ मिला था, जितना मिला था उनका गुजर बसर हो गया। तो पाकिस्तान ने एक मुस्लिम कंट्री होने की हैसियत से एक उनकी फेवर में उन्हें वीट दिया, गंदम दिया, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं जी आगे से यूज़लेस है। तो ये तालिबान ही बेहतर बता सकते हैं कि वो वीट यूज़लेस किस तरह हो सकती है। आपको पता है वीट यूज़लेस किस तरह होगी? कभी भी नहीं होगी। पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान में गंदम उगती है, हर चीज़ यहीं पर होती है। तो हमें नहीं समझ लग रही कि अफगानिस्तान को इतने चीज़ दे कर भी हम उनसे वो एहसान नहीं मान रहे, लेकिन आगे से वो कह रहे हैं चीज़ ही आपकी सही नहीं है। सही हो गया। तो सर क्या सोचते हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है तो इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना? हाँ, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ वजह होगी। आपको पता है ये उनकी सेंस में हमारे को मानता ही नहीं है, दिमाग ही इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वीट यूज़लेस हम पाकिस्तान ने हमें दे दिया। हाँ, उसके ऊपर किसी कंट्री का दबाव हो सकता है, हम इस तरह इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, मान भी सकते हैं कि इस तरह हो सकता है कि किसी कंट्री के दबाव की वजह से उन्होंने कह दिया हो कि जी पाकिस्तान की जो वीट है यूज़लेस है, गंदम यूज़लेस यूज़ करके हमें दी है, लिहाजा वीट आपको पता यूज़ नहीं हो सकती, वीट एक कटाई होगी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद की, बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया किया, लेकिन जो है ना आपने जो अगर आपको मदद करनी चाहिए तो दिल से और अच्छी तरीके से मदद करनी चाहिए। जो आपने अफगानिस्तान को गेहूं भेजा है वो बहुत ही सड़ा हुआ था और उसमें बहुत ही कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे इस तरह के गेहूं कोई भी खा नहीं सकता। और ऊपर से आप लोग बोल रहे हो कि जो अफगानिस्तान है जो किसी और दूसरे कंट्री के दबाव में आकर यह बातें कर रहा है, ये बात बहुत गलत है। अगर अफगानिस्तान जैसा देश जो है ना अमेरिके जैसे देश से नहीं डरता, तो वह जो देश है ना वो दूसरे देश के दबाव में आके, दूसरे कंट्री के दबाव में आके ऐसे बातें क्यों करेगा? आप लोगों को ये सोचना चाहिए। पैदावार पाकिस्तान की थी तो उन्हें दी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनों की चीज़ रास नहीं आती बंदे को, वो साहब इनका हो गया। अच्छा, तो यानी कि अब ये इख्तलाफ हमारे साथ भी कर रहे हैं, क्या कहें? वो करते रहे, अब क्या कर सकते हैं उनका। हम तो हाँ बड़ी फेवर किया हमारे पीएम साहब इमरान खान साहब ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने मुज़ाकरात भी करवा दिए बिठा कर, फिर भी आपको पता वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। आप सोशल मीडिया वर्कर हैं, हर चीज़ आपको पता है कि वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। आपको पता वो हमारी फेवर कम ही करते हैं, हालांकि पीएम ने बैठ के मुज़ाकरात भी कराए, सुलह भी करवाई उनकी, लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस वजह से ये कह दिया कि पाकिस्तान की जो हमें वीट दिया, पाकिस्तान ने हमें गंदम दिया, वो यूज़लेस है, किसी कंट्री की दबाव की वजह से कहा। ये अल्लाह बेहतर जानता है या वो ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वीट भिजवाई थी, ठीक है, और तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूज़लेस है, क्या कहेंगे इस हवाले से? वीट यूज़लेस है यार, पाकिस्तान तालिबान समझते हैं हम खुद यूज़लेस है। पिछले कुछ सालों में हमने पाकिस्तान का कोई 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 चीज़ों में साथ नहीं दिया अफगानिस्तान का, सॉरी, तो अफगानिस्तान कहने लगा कि भाई हमारा साथ दो, इमरान खान साहब ने कहा कि आप हमें गुर्दा दो। इसीलिए जब आप ना किसी चीज़ का मतलब कि हम आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आप फॉर एग्जांपल कर नहीं रहा, वैसे आप सीनियर है मेरी, तो आप मेरा सपोर्ट करती जा रही, मैं आपको मतलब कि एंड पे आकर धोखा दे जाऊँ, दगा दे जाऊँ, तो आपका क्या होगा मेरे साथ? आप कहेंगे ना मर जा जिथे जाना। अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ये सीन है, पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ दे रहा था हर महाज पर, हर चीज़ पर, अब अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ हो चुका है, जो कि हम नहीं तस्लीम कर सकते इस बात को एज अ पाकिस्तानी, तो इसीलिए पाकिस्तान अब किसी मुकाम पर साथ नहीं देता अफगानिस्तान का,
इसीलिए अफगानिस्तान अब ट्वीट ही कर सकते हैं यार, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में यार। अभी अफगानिस्तान भी हमें कुछ नहीं समझने लग पड़ा यार, बहुत बड़ा अलमिया है ये तो, क्या वजह की क्या हुई यार अफगानिस्तान अभी हमें कुछ नहीं समझ रहा यार। अभी तो हमारा सोचने का अलमिया है, हमें सबसे पहले अपने जो एक्सपोर्ट है इंस्पोर्ट इसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी दुनिया कोई भी कुछ नहीं समझेगी। आप अपने पाँव पर खड़े हो, खुददार आदमी की इज्जत होती है। अब पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब गए थे रशिया, तो वहाँ पर भी लोग मीम बना रहे थे कि यार वहाँ से कोई इमदाद लेने के लिए हमारे वज़ीर आज़म गए हुए हैं। तो यार ये सोचने का अलमिया, जब तक आप खुददार नहीं होंगे दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। खुददार कौम की रिस्पेक्ट करती है, उसको एक अलग नज़रिए से देखती है। अब जब आप किसी से पैसे मांगने जाओगे, अब मैं आपके पास रिबाह दो मरतबा आऊँगा, तीसरी मरतबा पैसे मांगने आऊँगा, आपने क्या कहना, चल निकल पुत्र, मेरा पुत्र तू छुट्टी कर, यही होता है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, खुददार आदमी की दुनिया वैल्यू करती है। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पे बात कोट करने का मतलब क्या था? हमारा कोट करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान खुददार बने, दूसरों से इमदाद लेना छोड़ दें। जब तक हम इमदाद लेने वाले कौम होंगे तब तक हमारे ऐसे ही ट्वीट इग्नोर होते रहेंगे। अभी तो ट्वीट इग्नोर हुआ है, आने वालों कलों में मुझे कुछ और इग्नोर होते हुए नज़र आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि हमारी वैल्यू कितनी रह गई। अब अफगानिस्तान हमें कुछ नहीं समझ रहा, हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, चाइना का मुकाबला कर लेंगे। मुकाबले ऐसे नहीं होते भाई, मुकाबले के लिए बराबरी चाहिए होती है, बराबरी, वो बराबरी कौन करेगा? अब क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजाहिद मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान को वीट भेजी थी, जिसपे वहाँ के रिप्लाई में ये आया है, तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूज़लेस है, इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को उनकी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वीट जो हमारी पाकिस्तानी वीट है ना, जो गंदुम है, वो पाकिस्तान में ज़ेर काश्त है, ठीक है, और पाकिस्तान उसे ख़ुद काश्त करता है। इसका मतलब ये है कि ये गंदुम यहाँ पे पैदा होती है, पैदावार हो के ये मुख्तलिफ ममालिक में सप्लाई होती है, ठीक है। जब जैसा कि अफगानिस्तान ने कहा कि ये वीट जो है वो यूज़लेस है, लेकिन ये वीट यूज़लेस हो ही नहीं सकती, जो पैदावार पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तान कहीं तोहफा भेज रहा है या बाहर के ममालिक में अपनी चीज़ भेज रहा है, तो वो हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे बन सकें। लेकिन जो अफगानिस्तान ने बात की है कि पाकिस्तान की वीट जो है वो यूज़लेस है, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा अफगानिस्तान को हम इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वो एक तो इस्लामिक ममालिक है और मौलवी जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस तरह की बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। खैर, अब उन्होंने की है तो क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर रिसर्च करे और जो वीट है उसे अच्छे से अच्छा जो है उन्हें प्रोवाइड करे। आपको क्या लगता है, जिस तरह हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, आपको क्या लगता है उसके बावजूद हमने वीट भेजी और हमें रिप्लाई में ये सुनने को मिल रहा है, तो इधर कर्ज़े लेते जा रहे हैं हम हर कंट्री से और वहाँ पे हम वीट दे रहे हैं, उसके बाद भी ये एकदम मतलब ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है? देखें, अफगानिस्तान से पहले भी बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान के बारे में इसी तरह की बातें की हैं, लेकिन अब ये बात नहीं है कि अफ़गानिस्तान ने ऐसा कह दिया तो हम पाकिस्तान को दूसरी नज़र से देखें, यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश करें। खैर, अफगानिस्तान ने कहा है तो अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर रिसर्च करें और देखें कि वो किस लिहाज से ये बात कर रहे हैं। जी तो व्यूवर्स, आपने सही कहा, आपकी कंट्री जो है ना कर्जे में डूबी है, आपके पास, आपके आवाम के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस हालात में आप लोगों को ये रिसर्च करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आपने, आपके पास जो कंट्री के आवाम है उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे हालात में आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो। और साथ में जो आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो ये गेहूँ भेजना, अफगानिस्तान को तालिबान को गेहूँ भेजने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसमें कुछ करप्शन तो हुआ नहीं है, ये देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही बात करना चाहता हूँ और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।